देखिए आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले गया के महान मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज मौका दिया। जगत मैं मानता हूं कि ये मौका तो बहुत पहले से ही हमारे पीछे है, लेकिन पता नहीं गया के मतदाताओं को क्या था, हमें उन्होंने भुला दिया था। लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला आज उन्होंने किया है और जो गरिमा गया के लोगों को मिली है। मेरे माध्यम से मेरा सौभाग्य है कि गया का प्रथम मुख्यमंत्री होने का मुझे सौभाग्य मिला है और आज गया का प्रथम कैबिनेट मंत्री होने का भी सौभाग्य मिला है। इसलिए गया का ये जो ऋण है जीवन भर हम लोग महान जनता को। रही बात, हम नहीं जानते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खराब कर रहा है, हमको इतना बड़ा विभाग देंगे, लेकिन विभाग देते हुए उन्होंने कहा कि मांझी जी हम अपने विजन का विभाग आपको दिया। उस समय हमको नहीं पता चलता था कि क्या विजन होता है, लेकिन जब विभाग का मैं समीक्षा कर रहा हूँ तो हमें लगता है कि सही है। माइक्रो का मतलब सबसे नीचे तबके का और स्मॉल का मतलब उससे बड़ा और मीडियम का मतलब बड़ा से थोड़ा कम, कहने का मतलब उद्योग जगत में सारी संभावनाएं इसी विभाग में सन्नी है। सर, तेजस्वी यादव का बयान आया है लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, सरकार को घेरने की कोशिश किया है कि वहाँ पर विधि व्यवस्था काफ़ी खराब हो चुकी है। देखिए वो लोग तो खेतरा ही करते हैं, लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी कहने का मतलब महागठबंधन की प्रवृत्ति सरकार जो 2005 के पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह? कुछ भी है तो यहाँ पर जो वारदातें हो रही है कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस समय तो कार्रवाई नहीं होती थी बल्कि सीएम नेगोशिएशन होता था। आज वैसा ना हो रहा है तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद कहते हैं तो वो खड़े करते हैं। अभी पुराने ज़माने का 2005 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज था, उस चीज़ को याद करते हैं तो सब लोगों का दिमाग कांप जाता है। अभी हमारे यहाँ वो स्थिति आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसी जनसंख्या बढ़ी है, छिपी घटनाएं घटती है, घटनाएं घटनी एक बात है लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी दूसरी बात है। आज जो भी घटनाएं घट रही है वो त्वरित कार्रवाई करके उसको जो उचित कार्रवाई होती है होती है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। सो नहीं कहा संजय रावत ने भी अभियान हारने वाला लोग चला यही कहता है कि अब आओ हम पटक देंगे, यही चीज़ वो लोग कर रहे हैं। डे वन से वो लोग नकारात्मक बात बोलते हैं, क्योंकि बात बात प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है और ऐसा होते रहता है आए दिन। लेकिन ये सरकार 5 साल एकदम ठोक करके चलेगी और भारत को संसार का तीसरी अर्थव्यवस्था बना करके रखेंगे नरेंद्र मोदी जी, इसी पीरियड में ये है। इसलिए सरकार न चलने का कौन बात